ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। अब क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहोगे वैसे वैसे आपके पास क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है, टेबल 5.8। अगर आप उसको ओपन करें, ये रहा टेबल 5.8। आप इसमें देखें कि सबसे पहले आपने वाटर लिया, ठीक है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया, मींस के भी आपने उसको कोई टेम्परेचर नहीं दिया, तो इसका वेपर प्रेशर कितना है, 0.61। फिर उसके बाद 20 हुआ तो 2.33, 40 हुआ तो 7.37, करते करते आपने उसको कितना टेम्परेचर दे दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया। ठीक है, जब आपने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर 0.61 से किधर तक आ गया, 1.01 आ गया। इट्स मीन ये क्या हुआ, इसका डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है वैसे वैसे आपके पास प्रेशर भी इंक्रीज़ होता गया है। ठीक है स्टूडेंट, सेम ये आपका एथेनॉल है। एथेनॉल में सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 1.6 रहा, आपने जब इसको आगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, करते करते आपके पास इसका जो वेपर प्रेशर आया वो कितना आया, 225.75। सिमिलरली डाइथाइल ईथर जो था उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24.70 था, पे एट द एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, 647.87। इससे आपको पता चला कि इफ़ेक्ट जो है टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे वो कितना है, वो डायरेक्ट है, मींस के डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपका ब्लास्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट मीन ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसका वो क्या होता है, वो बॉयल होता है। ठीक है, कुछ ऐसे डिफरेंट आपके पास लिक्विड्स होते हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के पर, ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके वो बॉयल होना शुरू होते हैं, और कुछ जो होता है वो कम डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हर किसी के लिक्विड पॉइंट, लिक्विड जो होता है उसका अपना ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि एटमोस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। एयर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एयर मींस कि ये जो आपके पास है ना, ये यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स एयर में हैं वो भी ऑब्वियसली प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, डैट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, अब बॉइलिंग की बात आ रही है। बॉइलिंग इट्स मीन हमने इसको बॉयल करना है, इसको हमने हीट देनी है, इसको हमने कोई ना कोई टेम्परेचर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको हीट दे दी, जब हमने इसको हीट दिया तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनमें काइनेटिक एनर्जी आई। जब काइनेटिक एनर्जी उनमें आई तो वो क्या होना, वाइब्रेट होना शुरू हो गए, बम्प होना शुरू हो गए। वो क्या किया, उन्होंने एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू हो गए, उन्होंने अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले को दी, उसने अपनी एनर्जी नेक्स्ट वाले को दी, करते करते आपके पास ये सर्फेस वाले जो मॉलिक्यूल्स थे उन पर भी एनर्जी आ गई। ठीक है, जब उनमें एनर्जी आ गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जर्ट, उन्होंने बाहर की तरफ इस्केप होना चाहा, बाहर की तरफ उन्होंने जाना चाहा। जब बाहर की तरफ वो गए तो उन्होंने देखा कि एटमॉस्फेरिक में जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो इक्वल नहीं है वेपर प्रेशर से। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इनको ओवरकम कर दिया, मींस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है जबकि वेपर प्रेशर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने नीचे से टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर दिया। जब हमने टेम्परेचर और इंक्रीज़ किया तो हमने देखा कि एक ऐसा पॉइंट आ गया, मींस कि ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आ गया जहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल होना शुरू हो गया, किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जो वो पॉइंट था जहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक के, तो उन्होंने क्या कर लिया, ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, ये जो पॉइंट था इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स, आपको वेपर प्रेशर पहले बता दिया था कि क्या होता था, तो यहाँ पे अब आपको वेपर प्रेशर की ही बात की गई है। ठीक है, उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेना। और वेपर प्रेशर जो होते हैं उनमें उन्होंने क्या किया, वो जो थे वो इक्वल हो गए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब वो दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया, ये दोनों, वो जो पॉइंट था जहाँ पर ये इक्वल हुए थे वो पॉइंट हमने कह दिया कि बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स, आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब आपको मैं सेल्फ असेसमेंट 5.4 थोड़ी सी समझा देती हूँ। सेल्फ असेसमेंट 5.4 है, लुक एट द फिगर 5.9 एंड प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। आपने क्या करना है, फिगर 5.9 देखनी है,
ये जो आपके सामने दी गई है, ठीक है, ये 5.9, इसमें अब आप देखें कि सबसे पहले आपके पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म ये जो जहाँ पे ये इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, आप ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखें क्लोरोफॉर्म कहाँ पे आपके पास जाके वो उसका कहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आया है, 60 डिग्री पे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिक्विड लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म लिखेंगे, ठीक है, एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिख देंगे, 60। सिमिलरली आपका जो सेकंड है इथेनॉल, वो कौन सा पॉइंट है, आप ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, आप ये वाला चेक करेंगे कौन सा पॉइंट है, ये वाला 80 पॉइंट है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट 80 हो जाएगा। सिमिलरली वाटर का आप ये वाला पॉइंट देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100। सेम एथेनॉल एसिड जो है आपके पास, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी सेल्फ असेसमेंट 5.4, ठीक है, आपने ये खुद करनी है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। तो ये थी आज की आपकी डायरी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इसको सही से समझ कर याद करना है ताकि आप इसका आंसर सही से कर सकें, इसका एचए भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।